वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ मिशन 50 पे। लास्ट ईयर अप्रैल में हम सेम मिशन पे गए थे चार स्मार्टफोन के साथ में, वन प्लस 9 प्रो, 9R एंड वन प्लस 70। पिछली बार जो मिशन 50 था उसमें बेसिकली मैं ये चेक करना था कि जो लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 था क्या उसमें कोई हीटिंग इशू है कि नहीं है। अब इस बार क्या है कि जो लेटेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, और अभी मैं Realme GT 2 Pro टेस्ट करा था, इस डिवाइस में मुझे somehow बहुत हीटिंग इशू लगी। सैमसंग का तो मैं जानता हूँ क्योंकि हीट करता है, कुछ फोटोग्राफ्स आप ले लो 5-6 फोटोग्राफ्स तो फ्रेम बटन सब कुछ हीट कर जाते हैं। इवन जब मैं इस फ़ोन को यूज़ करा था GT 2 Pro को इंडोर में, वो भी तब जब इंडोर में 25 डिग्री AC चल रहा है ऑफिस रूम में, देन वो हीट हो जा रहा है। मिशन का सबसे पहला स्टेप है एक प्रॉपर लोकेशन फाइंड आउट करना जहाँ पे थोड़ी शेडोज भी हो, पेड़ों की छाव हो। फाइनली गाइस अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। ऑलराइट, चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सभी डिवाइसेस अभी ऑफलाइन मोड में हैं। इन सब में मैं यहाँ पे इन सबको रख के इन सब में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। सभी डिवाइसेस की मैं आपको सेटिंग दिखा दूँ। मैंने Realme GT भी यहाँ पे रख दिया है जिसमें 888 है, 4K 60 है, आईफोन 4K 60 है, ये है IQO 7 Legend, इसमें 4K 60। अनफॉर्चुनेटली मी 11X में आई बिलीव मेरे पास जो उसमें जस्ट 4K 30, तो प्रॉब्ली ये हीट नहीं करेगा। फिर भी अब मैं ले आया हूँ तो टेस्ट कर लेता हूँ। GT 2 Pro भी 4K 60 में था और UHD 4K 60 में, S22 Ultra है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना देर कौन सी क्लिप चलती है और टेम्परेचर कितना जाता है किस डिवाइस में। ऑल्सो गाइज, Realme GT 2 में जो साथ में यूज़ कर रहा हूँ उसमें भी 4K 60 चल रहा है, तो इनडायरेक्टली आप भी चेक कर लेंगे। स्क्रीन का टेम्परेचर चेक करते रहते हैं अभी इनिशियली कितना है। स्क्रीन 40 डिग्री पे है जी टी, आईफोन 40 एंड IQ 7 है शायद, यस ये है, और मी 11X 40 39 41.2। Realme GT 2 Pro देखिए सबसे ज़्यादा है, और अगर हम गैलेक्सी चेक करें तो ये भी 41.3 है। दोनों एकदम हेड टू हेड चल रहे हैं हीटिंग में। अभी तो जस्ट 2 मिनट्स हुए हैं, 1 मिनट 44, वाओ 44 43, GT 2 Pro 43, मी 11X 39.4, बिकॉज ये 30 फ्रेम पे तो ऑब्वियसली आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। IQ 7 42 पहुँच चुका है, आईफोन 41.7, Realme GT 41.4। 3 मिनट्स पास हो गए, अभी भी रिकॉर्डिंग सब में चल रही है। लेट्स सी टेम्परेचर, 46, वाओ 43 45 42 43 43। अब किसी भी वक्त यहाँ पे बॉन्डिंग आ सकती है बिकॉज 6 मिनट हो चुके हैं। देखिए 48.3, वाओ सैमसंग गैलेक्सी 48.6 था मैक्सिमम और ये 48.9। मिशन 50 इस बार काफ़ी जल्दी पूरा हो रहा है, 48.9 मैक्सिमम, 44.3 है ये IQ 7, 45 आईफोन चलता रहेगा, 46.9 ये भी, लेकिन Realme GT रिलेटिवली कूलर। तो ये रहा हॉट पोटैटो, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे यही चल रहा है 48.2, 49.2, वाओ। मी 11X में क्या है, देखो क्लिप रिवर्स होने लगी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं उल्टी गिनती चल रही है 47, पीछे का तो हो गया होगा बट एक्चुअली मैं टर्न नहीं करना चाह रहा। 48.0 मैक्सिमम Realme GT 2 Pro, 50.1, वाओ हमने क्रॉस कर लिया गाइस, 50.1 फाइनली क्रॉस हो चुका है Realme GT 2 Pro में, हाईएस्ट हॉटेस्ट डिवाइस है इस साल की, आप देख सकते हैं 50.4, सुपर। और फिर से चेक करें यहाँ पे S22 Ultra, ये अभी ऐसे ही चल रहा है। इसकी स्क्रीन ब्राइटनेस कुछ घटी है GT 2 की, इसकी Realme GT की, ये तो 50 क्रॉस हो चुका है। फाइनली मिशन 50 अकम्प्लिश्ड, 48.9 और ये 45। IQ 7 Legend रिलेटिवली कूलर है, आईफोन सबसे कूलर है 4K 60 में जस्ट 45 डिग्री पे। 46 पे है Realme GT ओरिजिनल, एग्जैक्टली 50.1, अमेजिंग। यस फाइनली Realme GT 2 में वार्निंग आ रही है और कैमरा स्टॉप हो चुका है,
योर डिवाइस नीड्स टू कूल डाउन. जस्ट 11 मिनट की रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे यहाँ पे ये वार्निंग आ रही है, डिवाइस नीड्स टू कूल डाउन. मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ. और गैलेक्सी लेकिन अभी तक चल रही है. योर डिवाइस नीड्स टू कूल डाउन. सबसे फास्टेस्ट हीटिंग जो मिली है 11 मिनट में ही. देखा, मैंने आपको पहले बताया था कि ये इशू है इसमें, और सभी फोन्स चल रहे हैं, इवन हॉटेस्ट गैलेक्सी भी चल रहा है. इसका टेम्परेचर देखें तो 47.9, ये कितने टेम्परेचर पे है, 50.9 है, और 51 अभी तक का हाईएस्ट हमने देखा है. चल भाई, ये चल नहीं रहा है, आप देख सकते हैं. सेम प्रॉब्लम हमने लास्ट ईयर वन प्लस 9 प्रो के साथ देखी थी, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ एरर आ रहा था. 40 डिग्री प्लस में 51.2 और ज़्यादा हाई हो गया. अगर हम GT2 प्रो का बैक का टेम्परेचर चेक करें, कितना टेम्परेचर यहाँ पे है, बैक में ज़्यादा नहीं होगा, 46.47.2. और इवन जो Realme GT2 है इसमें भी 4K 60 में बना रहा हूँ, और अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है, 888 प्रोसेसर है. तो ये बात तो गाइस प्रूफ हो गई कि 8 Gen 1 में जो हीटिंग इशू है वो रियली ज़्यादा है 888 के कंपैरिजन में. एंड इवन आईफोन में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 48.9 आ चुका है, बट स्टिल गोइंग गुड, 48.4. Realme GT जो ओरिजिनल है वो चल रहा है. गैलेक्सी का टेम्परेचर अभी 50 नहीं क्रॉस किया, 49.6, 50.1 ये भी क्रॉस हो चुका है, 50.2, बट रिकॉर्डिंग चल रही है. ऐसा नहीं है, भले आपको फ़ोन हॉट है लेकिन काम कर रहा है, एटलीस्ट आप रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग करते रहेंगे वो चलता रहेगा. क्या अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई? अभी भी Realme GT2 Pro में रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हो पा रही है, और फ़ोन कूल भी नहीं पा रहा, 50 के प्लस ही चल रहा है. देखिए 50.6, 50.2 ऐसे ही चल रहा है. आईफोन वर्किंग, IQ वर्किंग, G11X वर्किंग, गैलेक्सी सरप्राइजिंगली अभी भी वर्क कर रहा है. आईफोन भी फाइनली हॉट हो गया है. योर आईफोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज़ इट. ये आज मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि आईफोन भी इतना हॉट. यस, हॉट तो बहुत हो गया है. सो आईफोन ने भी जवाब दे दिया. मुझे लग रहा था कि लाइक आईफोन नहीं जवाब देते हैं, चलते हैं. आज मेरा भी ये मिथ दूर हो गया. सैमसंग स्टिल गोइंग ऑन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 19 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है, हॉट हो गया लेकिन फिर भी वर्क कर रहा है. Realme GT Pro 11 मिनट पे बंद हुआ था, अभी 19 मिनट हो गया, 8 मिनट हो गए लेकिन अभी तक ये कूल नहीं हो पाया. आईफोन ऑन दी अदर हैंड कूल हो गया है, एंड रिकॉर्डिंग इसमें फिर से स्टार्ट हो गई है. 21 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है कॉन्टिन्यूस. सैमसंग अभी भी चल रहा है, IQ7 Legend चल रहा है, Realme GT जिसमें 888 था वो भी चल रहा है. आईफोन बंद होकर रीस्टार्ट हो चुका है. Realme GT 2 Pro अभी भी रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा है. 10 मिनट हो गया इसको ऐसे ही लेकिन रीस्टार्ट चल नहीं पा रहा है. 24 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है. सैमसंग अभी भी चल रहा है. IQ Legend में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, Realme GT में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. आईफोन रिस्टार्ट हो चुका है, और 870 जैसे 4K 30 बना रहे हैं वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है Mi 11X में. और एक्चुअली मैं गाइस Realme GT 2 में भी हीटिंग इशू आ रही है, इसमें भी मुझे अभी वार्निंग आई थी. 47.2 पहुँच गया इसका भी टेम्परेचर, लगभग 49, 50. अभी मैं इसको बंद करता हूँ. ऑलमोस्ट 28 मिनट गाइस हो गए हैं रिकॉर्डिंग में, तो मिशन को 30 मिनट की रिकॉर्डिंग तक ही लिमिट रखते हैं, एंड उसके बाद फाइनल देखेंगे टेम्परेचर क्या हुआ. Realme GT 2 में तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, जबकि 888 में जो GT था वो हायर हो गया है 50.9, लेकिन अभी भी सरप्राइजिंगली उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है. एज सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि रिकॉर्डिंग चल नहीं पा रही. आईफोन फिर से बंद हो गया, सेकेंड टाइम आईफोन बंद हुआ है. योर आईफोन नीड्स टू कूल ऑन बिफोर यू कैन यूज इट. सैमसंग वर्किंग, OnePlus 70 वर्किंग. आईफोन में एक बढ़िया पार्ट तो है, इवन दो ये अगर हॉट हो भी जाता है तो इसमें रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है. जस्ट आई बिलीव 1-2 मिनट लगता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, नो बिग डील. लेकिन अनलाइक दी Realme GT 2 Pro यहाँ तो एक बार भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई. सो 30 मिनट्स हो गए गाइज,
इन द कंक्लूजन गाइज, क्या पता चला स्नैपड्रैगन 8 जेन1 में? वैसे डिवाइस काफ़ी हॉट जा रही हैं, जैसे कि गैलेक्सी अभी काफ़ी हॉट है, रियलमी GT2 प्रो सरप्राइजिंगली हॉट तो सबसे ज़्यादा है, बट यहाँ पे कैमरा जो स्टॉप हुआ 11 मिनट के बाद से, उसके बाद से एक बार भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। 8 जेन1 S22 अल्ट्रा में, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्डिंग लगातार चलती रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 888 में हीटिंग थी बट कोई प्रॉब्लम आई नहीं, जितने भी 888 के हमने ट्राई किए, लाइक IQ7 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यस, प्रॉब्लम आई है रियलमी GT2 में, उसमें रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी एक बार के लिए, हीटिंग इशू आई थी, सो मैंने ऑफ कर दिया था। iPhone ऑन दी अदर हैंड सरप्राइजिंगली हॉट तो हो जा रहा है, होना नहीं चाहिए था, जब सैमसंग नहीं हो रहा तो ये क्यों हो जा रहा है, बट इंस्टेंटली एक दो मिनट बाद ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जा रही है। तो क्लियरली अगर आप ऐसे सुपर हाई एंड प्रोसेसर के फ़ोन लेते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हीटिंग इशू तो रहेगी रहेगी, सो कीप दैट इन माइंड। अगर आप आउटडोर में रिकॉर्डिंग करते हैं तो शायद हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो सके। यहाँ पे अभी तक तो सबसे परफेक्ट निकला वो तो सैमसंग निकला, एटलीस्ट रिकॉर्डिंग चल तो रही है और आप क्लिप आराम से यूज़ भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज फॉर द 2022 मिशन 50।